नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश शुक्ला ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्द्वानी में आयोजित जनसभा के दौरान किच्छा तहसील क्षेत्र में बनने वाले सैटेलाइट एम्स का शिलान्यास किया था। शिलान्यास के बाद कांग्रेसियों ने जनता को गुमराह करते हुए शिलान्यास को चुनावी घोषणा बता दिया था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने चुनाव के दौरान अपने हितों को साधने के लिए जनता से झूठ बोला था, आज उन लोगों के चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं, क्योंकि किच्छा तहसील क्षेत्र में स्थित खुरपिया की सैटेलाइट एम्स के नाम कर दी गई है और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आग्रह पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मावड़िया ने किच्छा पहुंचकर सैटेलाइट एम्स के भूमि पूजन में शामिल होंगे, जो अगस्त में संभावित है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार और उनकी पार्टी जो भी वादे करती है उसको 100% पूरा करने में विश्वास रखती है, इसलिए आज पूरे देश की जनता भाजपा पर विश्वास व्यक्त कर रही है। किच्छा से हमारे संवाददाता स्पर्श अग्रवाल की रिपोर्ट। इसका शिलान्यास किया था चुनाव के पहले, कांग्रेस के मित्रों ने सबसे पहला किया था और कहा गया था झूठ बोला जा रहा है, चुनावी जुमला है। लेकिन मुझे खुशी है आज कि उस जमीन का हस्तांतरण हो गया, जमीन ट्रांसफर हो गई। खुरपिया में हमारी 100 एकड़ जमीन एम्स के नाम से स्थानांतरित भी हो गई और खतौनी में दर्ज भी हो गई, आदेश भी हो दर्ज भी हो गई। आज ऐतिहासिक क्षण है, इससे हमारे यहाँ एम्स की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को आमंत्रित भी कर दिया है, जो अगस्त के माह में यहाँ आकर भूमि पूजन करेंगे और एम्स के निर्माण काम शुरू हो जाएगा। ये हमारे लिए, किच्छा के लिए, उधम सिंह नगर के लिए और विशेष रूप से कुमाऊँ की जनता के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे लिए एम्स की दूसरी शाखा खुल गई और उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि इस राज्य में 2-2 एम्स आ गए। ये हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी का और विशेष रूप से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनव प्रयास है और हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष कृपा है उत्तराखंड पर कि उन्होंने हमें इतनी उपलब्धि दी है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से अपनी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और अपने प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।